नमस्कार, मैं सनत जैन जबलपुर मध्य प्रदेश से आपको लेकर आया हूँ आटा मेकर, मॉडल नेम हाई फाई आटा मेकर। कैपेसिटी 1 घंटे में 15 किलो और मोटर 1 HP लगाई गई है। बॉडी की बात करते हैं तो बॉडी को हमने इस टाइप से मॉडिफाई किया है कि आपको देखने में लगेगा कि कहीं फ्रिज है। देखिए, यहाँ से एयर निकलने के लिए बनाया गया है। देखिए, चौतरफा लाजवाब। आपके यहाँ जब कोई मेहमान आता है तो आपको एक बताने में लगेगा कि मेरे पास कोई चक्की है जो कि मॉडलर है, उसको भी लगेगा कि नहीं, ये चक्की मैं भी लूँगा। देखिए, इसकी विशेषता होती है कि इसमें कोई स्विच नहीं होता है। देखिए, इसमें स्विच नहीं है। आप ढक्कन बंद करके रखिएगा। अगर आप आटा पीस रहे हैं तो आपको ढक्कन पीसते समय ढक्कन नहीं खोलना है। अगर आपने ढक्कन खोला तो आपकी चक्की बंद हो जाएगी। जब ढक्कन लगाएंगे आप, तभी आपकी आटा चक्की चालू होगी। इसमें आप मोटे पतले सभी आइटम पीस सकते हैं। जैसे कि एक नंबर जाली से आप गेहूं वगैरह पीसेंगे और 2 नंबर से बाजरा जैसे आइटम, मोटे आइटम होते हैं उस टाइप के पीसेंगे, और 5 नंबर से आप शक्कर, मिर्च, जीरा इत्यादि पीस सकते हैं, और 6 नंबर से आप कोई भी मोटे आइटम पीसिए, और 6 नंबर के पीसने के बाद में आप 3 नंबर की जाली लगा दीजिए, तो उससे क्या होगा कि वो बारीक हो जाएगा। दोबारा रिपीट करना पड़ेगा आपको। जितने भी आइटम आप इससे पीसते हैं उसको सूर्य की रोशनी में अच्छे से गर्म करना है, सुखाना है, ताकि सूखा हुआ आइटम अच्छे से पीस सके। देखिए, अगर आप चलते हुए में ढक्कन बंद कर देते या लगा खोल देते हैं इसको, तो आपकी चक्की बंद हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक स्विच दिया गया है। इसको जब दबाव रखता है तभी यहाँ आपकी चक्की चालू होती है। एक जाली यहाँ पर लगी हुई है, 5 जालियाँ हम अतिरिक्त देंगे आपको। जैसे आपको मोटा या पतला आइटम पीसना है तो यहाँ पर हमने एक स्विच दिया है, जो स्विच आपको पतले आइटम के लिए नीचे रखना है और मोटे आइटम के लिए आपको ऊपर रखना है। सभी आइटम आपको बढ़िया सूखे पीसने हैं, जो सूखे आइटम हों। जैसे हमने इसको चालू किया तो इसमें बीप आना चालू हो चुकी है, और जब हम आपको इसमें गेहूं डालेंगे तभी चालू होगी। अगर हम गेहूं नहीं डालेंगे तो टाइमिंग यानी कि कुछ 1 मिनट करीब में ऑटोमेटिक ही बीप बंद हो जाएगी। देखिए, जैसे कि मैं एक गेहूं लिए हैं, थोड़े से इसमें डालता हूं। आपको आवाज़ आ रही होगी कि आपकी मॉडलर आटा चक्की चालू हो चुकी है। जैसे ही इसमें अनाज ख़त्म होता है आपकी चक्की बंद हो जाएगी। जिस टाइप से हमने मॉडिफाई किया है इसको, लुक जो दिया है काबिले तारीफ रहता है। आप इसको उपयोग करें और दूसरों को भी बताएं कि क्या होती है मॉडलर आटा चक्की। सबसे पहले तो लुक इसका बहुत ही बेहतरीन होता है। आपके गेहूं ख़त्म होने वाले हैं, जैसे ही गेहूं ख़त्म होंगे वहां पर तो ऑटोमेटिक ही चक्की बंद हो जाएगी। आप इसमें मोटे बारीक सभी आइटम पीस सकते हैं। हाँ, और आप हमसे आटा मेकर के अलावा सुपारी कटिंग मशीन, सुपारी ड्रायर, सुपारी कटिंग मशीन की ब्लेड या सुपारी कटिंग मशीन से संबंधित किसी भी टूल्स की ज़रूरत हो
तो आप हमारे इस नंबर पर यानी कि 9300084613 पर कॉल करें या व्हाट्सएप मैसेज करें, इसके माध्यम से हम आपको जानकारी दे देंगे। अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ने जा रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऑटोमेटिकली आपकी आटा चक्की बंद होगी। अगर उसमें एक गेहूं भी रहेगा तो वो एक गेहूं दाना को ख़त्म करने के बाद ही बंद होगी। स्मार्ट इंडिया में अब सब कुछ चलेगा स्मार्ट। देखिए सर, ऑटोमेटिक ही आपकी चक्की बंद हो चुकी है, आपको बीप सुनाई दे रही होगी, आपकी चक्की बंद हो चुकी है। नमस्कार।